सो इस तरह की एडिटिंग करने के लिए गाइस मैं ये वाली बैकग्राउंड को और ये वाली जो बैकग्राउंड है इसे दोनों को मर्ज करके इस तरह से अपना एक बैकग्राउंड बनाया और अपना एक मॉडल फोटो को जोड़ दिया, जिससे इस तरह की मैंने फोटो एडिट करा कुछ बर्ड्स को जोड़ के और कुछ लाइटिंग देके, जो कि हमारी फोटो कुछ इस तरह से अमेजिंग वाली एडिटिंग हुई है। और आप भी इस तरह की मेरी तरह फोटो एडिट करना चाहते हो वो भी मोबाइल पे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा गया तो जल्दी से फॉलो कर लो, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग फोटो आपको देखने को मिलेंगे एंड हमारे यूट्यूब पे भी आपको देखने को मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो चलिए आज के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले ओपन कर लेंगे पिक्सर्ट ऐप को, एंड ऐप को ओपन करने के बाद आपको इस वाली बैकग्राउंड को ऐड कर लेनी है सबसे पहले। तो ये वाली आज की हमारी बैकग्राउंड है, तो इसमें गाइस आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद सिंपली ऐड फोटो को प्रेस करेंगे और आपको ये वाली पीएनजी को ऐड कर लेना है, और इस तरह से आपको कॉर्नर को खींच के इस तरह से फुल स्क्रीन कर लेनी है, जिससे ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। एंड आपको ऐड फोटो को अगेन प्रेस करके अपना मॉडल फोटो या पीएनजी को ऐड कर लेना है, तो मैंने पीएनजी को ऐड करा है। एंड मैं सिंपली ओपेसिटी को कम कर दूंगा, देन इरेजर को प्रेस करूंगा एंड सिंपली मैं इरेज करूंगा नीचे पे जो बाकी बचा है। आपको मतलब इस तरह से इरेज करना है ताकि ऐसा लगे कि आप इसके अंदर में खड़े हो, तब आपकी फोटो रियलिटी लगेगी। सो अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता गाइस तो ये वाली वीडियो खुद देख लेना, इस वाली वीडियो पे आपको बताया कि आप कैसे बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो। तो इरेज होने के बाद सिंपली ओपेसिटी को 100 कर देंगे एंड अब इफेक्ट, देन कलर्स पे आके आपको लास्ट पे देखने को मिलेगा कॉन्ट्रास्ट वाली फिल्टर, उसे प्रेस करके आपको तो इसे थोड़ा सा कम कर देना है, तो इसे 10 या 15 पे रखना और इरेजर को प्रेस करके इस वाले आइकन को प्रेस करेंगे एंड इस तरह से यहाँ बस पेंट करेंगे। तो सेटिंग को पहले चेंज कर लेना ब्रश की और इस तरीके से यहाँ पर पेंट करेंगे, जिससे थोड़ा सा ब्लैक हो जाएगी यहाँ पे, एंड इसे कर देंगे डन। डन करने के बाद ये वाले ऑप्शन को प्रेस करके अप्लाई करेंगे फिल्टर को, एंड अब क्या करेंगे सिंपली ब्राइटनेस को प्रेस करके थोड़ा सा कम कर देंगे और इसे भी कर देंगे हम डन। देन आपको ऐड फोटो को अगेन प्रेस करना है एंड आपको ये इस बर्ड्स वाली पीएनजी को ऐड करके इस तरह से फुल स्क्रीन पे कॉर्नर को पकड़ के खींच लेना है इस तरह से, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेट हो जाएगी। तो आप चाहो तो इसकी प्लेस भी चेंज कर सकते हो, बट यहाँ बस परफेक्ट है तो मेरी तरह कर लेना। एंड ऐड फोटो को अगेन प्रेस करेंगे एंड इसमें गाइस सिंपली लाइट वाली पीएनजी को ऐड करके ब्लेंड पे आके स्क्रीन मोड कर देंगे एंड इस तरह के यहाँ पर मैं राइट साइड के कॉर्नर पे रखूँगा, मतलब सेंटर पे रखूँगा। तो इससे पहले मैं और थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा एंड इसकी ओपेसिटी को आपको 70 या 75 के आसपास रखना है। नाउ अब टूल्स को प्रेस करेंगे एंड एडजस्ट को प्रेस करेंगे, ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करके इरेजर को प्रेस करूँगा एंड इस वाले आइकन को प्रेस करूँगा। प्रेस करने के बाद आपको जूम कर लेना है एंड पहले ब्रश की सेटिंग को चेंज कर लेता हूँ। ओके, देन आपको इस तरह से थोड़ा सा ड्रॉ करना है अपने फेस पे, तो सेटिंग को पहले चेंज करते रहना, मतलब जिसमें आपको परफेक्ट लगे उसी तरह से यहाँ पर ड्रॉ करना। ओके देन डन, एंड इसे थोड़ा सा कम करके अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इस तरह से आपको अपने फेस पे ग्लो कर सकते हो। तो गाइस ये अब परफेक्ट है, तो सिंपली अब मैं ड्रॉ वाली ऑप्शन पे आके अपना फोटो कर लूँगा सेव। सेव होने के बाद आपको ओपन कर लेनी है लाइट रूम, आपको इसमें थोड़ा सा लाइट एंड कलर करेक्शन करेंगे। तो फटाफट से मैं ओपन कर लेता हूँ एवन अपना फोटो को ऐड कर लूँगा जो अभी पिक्सेल ऐप पे सेव करा था। एंड इसमें से लाइट वाले ऑप्शन पे आके एक्सपोजर वगैरह को कम ज़्यादा कर सकते हो, तो आप चाहो तो मेरी तरह फॉलो कर सकते हो या आप अपने हिसाब से कर सकते हो जिसमें आपकी फ़ोटो परफेक्ट लगे। एंड इस वाले ऑप्शन पे आके क्लैरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे एंड कलर्स वाले ऑप्शन पे आके टाइम को थोड़ा सा इंक्रीज करके सैचुरेशन को भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। एंड अब आ जाते हैं मिक्स टैब पे, और आपको मिक्स टैब को ओपन कर लेना है, इसमें अपना फोटो के कलर के हिसाब से कर सकते हो या इसमें भी आप मेरी तरह फॉलो कर सकते हो। सो गाइस ये हो गई हमारी फोटो रेडी, आप यहाँ देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन लग रही है लाइट रूम ऐप पे थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज करने के बाद। एंड अब मैं सिंपली शेयर लेकिन को प्रेस करके एक्सपोर्ट को प्रेस करूंगा और यहाँ से डन करके अपना फोटो कर सकते हो सेव।